सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज है 8 अक्टूबर। जान लेते हैं सबसे पहले कि 8 अक्टूबर में क्या विशेषता है, यानी कि क्या विशेष दिवस है। तो 8 अक्टूबर मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में, और इसलिए सेलिब्रेशन किया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो स्थापना की गई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, जब गणतंत्र बना था। उससे पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, और गणतंत्र बनने के बाद, यानी कि भारत में गणतंत्र दिवस के बाद से, जब गणतंत्र की स्थापना हो गई उसके बाद से ये रॉयल शब्द को यहां से हटा दिया गया और रह गया केवल इंडियन एयरफोर्स, यानी कि भारतीय वायुसेना। तो आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है, तो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज करंट अफेयर की बात करते हैं, जो हम लेकर आए हैं वर्तमान में जो चर्चा में है। हम बात करेंगे मार्गशीर्ष संधि की। हम बात करते हैं कि मार्गशीर्ष संधि चर्चा में क्यों है, मार्गशीर्ष संधि क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, और साथ ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानेंगे। बात करें सबसे पहले मार्गशीर्ष संधि की। अभी हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन है उसने इस समझौते की या संधि की पुष्टि कर दी है। जब इस संधि की पुष्टि यूरोपियन यूनियन के द्वारा हाल ही में कर दी गई है, तो बात करते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसकी 15 एजेंसियों में से एक एजेंसी है WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो WIPO ने इस संधि को स्वीकार लिया है। अब बात करते हैं मार्गशीर्ष संधि है क्या। मार्गशीर्ष संधि 28 जून 2013 को मोरक्को के शहर मार्गशीर्ष में की गई एक संधि है। भारत इस संधि को अपनाने वाला सबसे पहला देश है। उसने 30 जून 2014 को इसकी पुष्टि की, और तो इस संधि को अपनाने वाला पहला देश जो है वो भारत है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं, जब ये संधि हुई थी तो इस संधि पर 64 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन केवल 20 देश ही हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है। और जब 20 देशों ने इस बात की पुष्टि की उसके बाद ही ये संधि फंक्शनिंग में आई है, यानी कि इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। एक बेस लाइन थी कि कम से कम 20 देशों के यहाँ पर पुष्टि होनी चाहिए, उसके बाद ही ये फंक्शनिंग में आएगी। अब बात करते हैं कि ये संधि के अंतर्गत क्या है। इस संधि में जो नेत्रहीन है या अन्य तरीके से जो प्रिंट विकलांग है, यानी कि VIP है, उनके लाभ के लिए अनिवार्य सीमाओं और अपवादों को निर्धारित करने के लिए पाठ्य सामग्री बनाई जाए, इससे संबंधित इस संधि में कुछ समझौते किए गए हैं। फिर इस संधि के अनुसार जो भी संपर्क दल हैं, उन संपर्क दलों को राष्ट्रीय कानून प्रावधानों को अपनाना होगा। यानी कि जो नेत्रहीन है, जिन्हें VIPs कहा जाता है, तो नेत्रहीन के लिए उत्पादन है, वितरण है और प्रकाशित कार्यों का ब्रेल लिपि में, साथ ही ई टेक्स्ट में और ऑडियो में उस प्रकार उस जो भी टेक्स्ट है, जो भी पढ़ाई सामग्री है, उसको उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और ये लाभार्थियों की सेवा करने वाले जितने भी संगठन हैं, यानी कि इस दिशा में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा कामों को सीमा के पार, यानी कि अन्य देशों में भी आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संधि के अंतर्गत ये पॉइंट भी है। अब बात करते हैं संधि के क्या उद्देश्य है। भारत में मौजूद जो नेत्रहीन है या अन्य तरीके से प्रिंट अक्षम लोग हैं, उनको प्रकाशित सामग्री की पहुंच कराना इसका उद्देश्य है। साथ ही शिक्षा और रोजगार के लिए समान अधिकार और समान अवसर इन VIPs को, यानी कि नेत्रहीनों या प्रिंट अक्षम लोगों को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इस दिशा में जो संस्थान काम कर रहे हैं, उन संस्थानों के द्वारा सुलभ प्रारूप प्रतियों के आयात की भी सुविधा का यहाँ पर उद्देश्य निर्धारित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि ग्लोबल लाइब्रेरी बनाने की योजना रखी गई है, जिसमें सभी देश सहयोग करेंगे, जिससे कि जो भी नीडी है, यानी कि जिनको इस तरीके का टेक्स्ट चाहिए, वहां वो लाइब्रेरी में मैक्सिमम तरीके से ये देश अपना टेक्स्ट वहां पर अवेलेबल करा सके। और इस लाइब्रेरी को जल्दी ऑनलाइन कर दिया जाएगा,
जिसके माध्यम से उसका प्रिंट निकाल कर या जो ऑडियो फॉर्म में उसको सुन सकते हैं उसका यूज कर सके, क्योंकि प्रिंट का यूज जो भी ऑनलाइन करने से बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होगा, लेकिन ऑडियो अगर उसका सुन लिया जाएगा तो ऑडियो से भी वो माध्यम उनके लिए यूजफुल होगा। अब बात करें प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उनका भारतीय भाषाओं में निर्यात की भी सुविधा होगी, यानी कि भारत जिस देश में जिस तरीके का टेक्स्ट चाहिए होगा उस भाषा में उस टेक्स्ट को अवेलेबल कराने की यहाँ पर सुविधा होगी। तो भारत के संदर्भ में जो भी टेक्स्ट निर्यात होगा उसकी सुविधा होगी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की। अब बात करते हैं जो ये मार्केश संधि हुई है इसके अंतर्गत कॉपीराइट जो अधिनियम है, यानी कि कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 में भी संशोधन जब किया गया तो उसके अनुसार संधि के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है और इस संदर्भ में कॉपीराइट कानून से जुड़े मुद्दे को थोड़ा लचीला किया गया है, यानी कि अब इन संदर्भ में कॉपीराइट कानून लागू नहीं होगा। तो मार्केश संधि वर्तमान में चर्चा है क्योंकि रिसेंटली फंक्शनिंग में आई है और बहुत ही उपयोगी होगा उन लोगों के लिए जिन्हें नेत्रहीन की कैटेगरी में रखा जाता है, जिन्हें VIPs की कैटेगरी में रखा जाता है या जो प्रिंट अक्षम लोग हैं उनके लिए। तो करंट अफेयर के दिशा से महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए ये ऊर्जा स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।